वेलकम टू सद्भावना न्यूज़, मैं पूनम शर्मा। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को कहा है कि प्रदेश के सभी सीबीएसई आईसीएसई मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के द्वारा एकत्र की गई फीस को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जाएगी। दो, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के टीचिंग विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी के ऑनलाइन आवेदन की तकनीकी टेस्टिंग होगी। इसके बाद सोमवार से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी की तैयारी यह है कि एग्जाम 25 अगस्त को ही करवाई जाए, हालांकि अंतिम निर्णय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेना है। सीईटी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर पार्टनर यानी एजेंसी ही एग्जाम पेपर भी सेट करेगी। तीन, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने इस साल आर्थिक और दुर्घटना सहायता राशि जारी कर दी है। इस बार यूनिवर्सिटी ने 248 छात्रों को 22.5 लाख की विकलांग सहायता राशि जारी की है। वहीं 23 छात्रों को 2,10,000 की आर्थिक सहायता राशि जारी की है, जबकि 2 छात्रों को 50,000 रुपए की दुर्घटना सहायता दी गई है। यूनिवर्सिटी की कमेटी के साथ कार्य परिषद ने भी इस पर मुहर लगा दी है। चार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी के एक दर्जन से ज्यादा विभागों में दाखिले के लिए होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी में अगले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, मगर इसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और विश्वविद्यालय प्रशासन इन दिनों परीक्षा के लिए सेंटर बनाने में लगे हैं। बताया जाता है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, सतना, सागर सहित कुछ अन्य शहरों पर एजेंसी ने सहमति जताई है जहां सेंटर रखे जाएंगे। 5 विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक 6 जुलाई से यूजी सेकंड ईयर व 15 जुलाई से पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा है, जबकि यूजी फर्स्ट ईयर के पेपर 22 जुलाई से अपलोड होंगे। ये सारे रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी होंगे, फिर अक्टूबर में विभिन्न कोर्स के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।